रोहतास जिले के करहर इटवाडी मैदान में जदयू के द्वारा करगहर विधानसभा स्तरीय जननायक कपूरी चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के लघु सिंचाई सह रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री जयंत राज कुशवाहा, पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा सहित दर्जन भर नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। वक्ताओं ने जननायक कपूरी ठाकुर के विचारों पर चर्चा की और उनके बताए गए कदमों पर चलने की बात कही। आगे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, उन्हें किसी पद की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि स्वागत करना है सभी लोगों को एकत्रित करने का काम वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और इस काम में जो सफलता उन्हें मिल रही है इसमें भाजपा के लोगों को दर्द हो रहा है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हाँ, बिहार की जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बने, और देखिएगा अंतर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। ये जो कुछ कुछ हो रहा है वो हो रहा है, हम लोग के बीच में पिंटू प्रजापति जी है जो प्रजापति संघ के जिला अध्यक्ष है, और बड़े अच्छे से चल रहा है। आने वाले समय में देखिएगा, और अभी भाजपा के लोग बीच में जानते हैं क्या कर रहे थे, नीतीश बाबू को कुछ कुछ बेइज्जत कर रहे थे। विधानसभा के चुनाव में भाजपा से हमारी गठबंधन थी, बराबर सीट पर हम चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा के चुनाव जीत गया 76 और मैं चुनाव हमारी पार्टी आ गया 43 पर। क्यों? जब हम दोनों पार्टनर हैं तो जो लाभ होगा बराबरी का होगा ना, ये कैसे मैंने 43 करोड़ को चल जाएगा 76 पे। इसका मतलब कि जनता दल यूनाइटेड के जो समर्थक है, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता है, भाजपा को वोट दे दिया ईमानदारी से, लेकिन भाजपा के वोटर और भाजपा के कार्यकर्ता जदयू के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया।